हमीरपुर जिला में करीब 9 करोड़ की लागत से सिंथेटिक ट्रैक को बनाया गया है, लेकिन आज ये सिंथेटिक ट्रैक अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। हालात ये हैं कि सिंथेटिक ट्रैक के किनारे बड़ी बड़ी घास पर झाड़ियां उग चुकी हैं, जिसके चलते खिलाड़ियों को खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। स्थानीय लोगों व खिलाड़ियों का कहना है कि सरकार ने सिंथेटिक ट्रैक को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन इस ट्रैक का विभाग द्वारा सही ढंग से रखरखाव नहीं किया जा रहा है। हालात ये हैं कि सिंथेटिक ट्रैक की उद्घाटन पट्टी का भी पूरी तरह से झाड़ियों से ढक चुकी है। खिलाड़ियों का कहना है कि सिंथेटिक ट्रैक के किनारे घास फूस और झाड़ियां उगने से जंगली जीवों के काटने का डर लगा रहता है। खिलाड़ियों ने खेल विभाग और जिला प्रशासन से सिंथेटिक ट्रैक की सफाई करने की गुहार लगाई है। सिंथेटिक ट्रैक का शिलान्यास वर्ष 2009 में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया था और वर्ष 2012 में सिंथेटिक ट्रैक बनकर तैयार हुआ था। खिलाड़ियों का कहना है कि सिंथेटिक ट्रैक के आसपास झाड़ियां उगी हुई हैं और साफ सफाई न होने से गंदगी फैली हुई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द सिंथेटिक ट्रैक की हालत को सुधारा जाए। ट्रैक में जो शरीर पूरे ग्राउंड में खांसी है, खांसी खास है, दौड़ने में दिक्कत होती है, सांप वगैरह का डर रहता है। क्या मांग रही है सरकार से? सरकार से सर ग्राउंड की देख रेख होनी चाहिए अच्छे से सर, यहाँ पे हमें दौड़ने में मुश्किल होता है कि सांप वगैरह या कुछ भी चीज़ आके काट ले हमें तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सरकार ने इतना पैसा ग्राउंड के लिए लगाया है तो इसकी सफाई होनी चाहिए, अच्छे से घास वगैरह कटा होना चाहिए, तभी बच्चे अच्छे से और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अभी घास काटा है और ट्रैक के बीच में फेंक दिया है कुछ ऐसी कंडीशन में, तो अच्छा होना चाहिए, तभी बच्चे और ज़्यादा तैयारी करेंगे और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, 6-7 महीने से जैसे बंद था कोरोना काल के चलते, यहाँ पे सारी तरफ घास वगैरह सब कुछ, इस ग्राउंड की कोई देखभाल नहीं करता है और हम यहाँ पे आते हैं, बच्चे बहुत सारे बच्चे आते हैं दौड़ने के लिए। क्या मांग रही है सरकार से? सरकार से ये मांग है कि इस ग्राउंड की सिंथेटिक ट्रैक की देखभाल की जाए ढंग से और ये घास वगैरह काट दिया जाए, और कुत्ते यहाँ पे कुत्ते भटकते रहते हैं जैसे। जिला खेल एवं युवा सेवाएं अधिकारी रविशंकर का कहना है कि कोरोना संकट के चलते सिंथेटिक ट्रैक को बंद किया गया था। उन्होंने बताया कि सिंथेटिक ट्रैक की हालत को जल्द सुधारा जाएगा ताकि खिलाड़ियों को सुविधा मिल सके। जैसे कि विदित है कि मार्च माह से कोविड-19 के चलते अपनी खेल गतिविधियां को निदेशालय के माध्यम से रोक गई थी। अभी पिछले मार्च 29 तारीख से जो खेल गतिविधियाँ हैं सुचारू रूप से शुरू की गई हैं, तो जैसे कि वहाँ पे घास वगैरह जो आप कह रहे हैं जल्दी से जल्दी वहाँ पे उसको साफ कराया जाएगा, क्योंकि ट्रैक बंद थे, सिंथेटिक ट्रैक बंद था, वहाँ पे आवाजाही बंद थी, तो उसके चलते अब विधिवत रूप से आगामी कार्रवाई विभाग के द्वारा की जाएगी।